खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। इस टाइम पे भाई किठाणा गांव में, और किठाणा गांव में आपने भी पता है कि पहला भी मैंने वीडियो बनाई है, जिस शख्स की बनाई है आज वो भी इसका में इन्वॉल्व है, क्योंकि बड़ी भूमिका उस मानस की भी है। और जो स्वामी सीताराम जो लड़कियाँ का है, ये दिखा दें, छोटी छोटी बच्चियाँ दिखा दें। किठाणा में एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसमें सारी की सारी छोरी पढ़े हैं, जो गुआंडा तभी पढ़ने खातर आवे हैं, और काफ़ी समय तक जो इस सेवा में है स्कूल लाग रहा है। इसमें गांव का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गांव के सहयोग के बगैर कोई भी संस्था का चलाना बड़ा मुश्किल है। इब आपने देखा कि पिछली कुछ टाइम में रिजल्ट आए हैं दसवीं के, प्लस टू के, और प्लस टू तो काफ़ी कम समय तक शुरू हुई है, लेकिन जो दसवीं तक का जो सिलेबस है वो रन कर रहे हैं काफ़ी लंबा समय तक। और ये गुड़ियाँ हैं, बड़ा खुशी हो है भाई जद न्यू, जिस बेटी थी कमज़ोर सोचे कर दे, या फिर जिसका जामड़ा को ऊपर ना कदे थाली बजाई गई, ना कदे कुछ बांटा गया, प्रसाद 10 रुपया का भी नहीं बांटा इन छोरियाँ का जामड़ पर, जब पहला टाइम था। और सुन में बीच में एक पड़ाव ऐसा आया था जद भ्रूण हत्या का बहुत ज़्यादा आपने सुनने मिला होगा कि पेट में लिंग जाँच करवाया जावे है और उसके बाद में मार दी जावे हैं। लेकिन अपने खुद की मेहनत की बदौलत आप इन टीचर ने भी देखोगे, यह भी इसे दौर तक गुजर के ने टीचर बनी हैं। इन छोरियां ने अपना आपा साबित कराया है, किसे का न्यू नहीं कि भाई किसे तो इनका ऊपर एहसान करे हो ना, खुद की मेहनत की बदौलत आज इन छोरियां ने मुकाम हासिल कराया है। इस छोरी ने पूरा जो किठाणा गांव में जितने प्राइवेट या सरकारी स्कूल हैं उन सारे तय ज़्यादा नंबर लेकर ने अपने आप को अव्वल घोषित कराया है। पूरी पूरी जितनी भी कमेटी है, चाहे गांव का सरपंच की बात करा, संस्था के जितने भी चाहे प्रधान कवा या फिर जितने भी संचालक हैं, उनकी अपनी बहुत बढ़िया भूमिका निभा कर ने रिजल्ट को कायम कराया है। सर बता रहे थे कि पिछला कुछ समय में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, जो बीच सी में जाकर डाउन चली गई थी, उसका है कोरोना काल था या के था, वो एक अलग विषय है, बातचीत करांगे। सबसे पहले तो बेटे बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कुछ दिक्कत आई हो कि मैं परेशानी आई हो? नो सर, कोई दिक्कत नहीं आई, स्टाफ बहुत अच्छा था और हमारे जो सर हैं वो भी बहुत अच्छे। तो किसी तरह की कोई समस्या या फिर परिवार में तो कोई नहीं, तो नहीं है कि भाई पढ़ाई पे तो उठकर ना काम कर ले? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। बढ़िया, पढ़ाई में मन लग गया है? यस सर। तो के कुछ बनना चाहे बेटे आगे चल के? आगे तो बनना तो बहुत कुछ चाहवा, लेकिन जो कर सकेंगे वो ही करेंगे जी। नहीं, बनना तो बहुत कुछ चाहवा, एक एम होवे है, हर आदमी एक टारगेट लेकर चला है कि मेरे को यह चीज़ बननी है, मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर काम करूँ, स्पेशलाइजेशन नहीं होएगा, तो वो चीज़ हुआ है, वो कुछ दिमाग में को नहीं आई? मैं तो सर कोर्स करना चाहती हूँ नर्स वगैरह का। बहुत छोटी सोच लेकर चल रही है छोरी। बाकी चलो जैसा भी है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता ना कुछ, और इसमें भी बेहतर कराया जा सके है। कितने नंबर आए बेटे? 93% सर। 93%, और भी ज़्यादा आस्के थे या फिर इतने में संतुष्ट है? बहुत सर है तो। अच्छा, मैंने बहुत सारी छोरियां के इंटरव्यू करे हैं, उनका एक के मन में रह जावे है 97-98% आया पास है, अभी बुंडा सा मुंह कर लेंगी अगना रह गए जी, रीचेकिंग के पर होंगी छोरियां तो पूछ ले, 34% में भी बोड़गा कोनी नहीं कहते, मैंने वो करना पड़ेगा, मैंने कहेंगे बतेरे हो गए ना जी, बहुत स्वामी जी की दया रहे जो मतलब बहुत ही। तो संस्था किसी है? बहुत अच्छी है जी। बहुत बढ़िया है, स्टाफ भी, प्रिंसिपल भी और संस्था भी, स्कूल भी बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है। क्या नाम बेटे? निकिता। कितने नंबर आए बेटे? 92%। तेरे कितने आए बेटे? 93 इन 10th क्लास। बता रहे कि नो सर, आगे 12th में मेहनत अच्छी करेंगे। अच्छा, अच्छी मेहनत करेगी। यस सर। कितने नंबर आए बेटे? 91%। अच्छा, तेरा 90%। संतुष्ट है या और बताएगी? तो भाई इन छोरियां भी गया है बतेरे हैं, नहीं तो ये कहे को नहीं कर दी है। नमस्कार जी। नमस्कार। किस तरह का रिजल्ट रहा है? देखो, इस बार हमारा जो प्लस टू का रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार रहा। हमारी जो विद्यालय की छात्रा, हमारे गांव की बेटी अंशु, जिन्होंने पूरे किठाणा गांव में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में आर्ट्स स्ट्रीम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बहुत ही मेहनती लड़की है, तो इसके लिए इनके माँ बाप को और संस्था के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका भी हम जो सहयोग हमें मिला है, और हमारे गांव के जो सरपंच हैं श्री अनिल जी, उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला है, और यहाँ के जो लोग हैं, गांव किठाणा के जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, उन्होंने हमारे अंदर एक विश्वास प्रकट किया है, और इसकी बदौलत
हमारे जो आज बच्चे हैं पूरे गांव किठाना में फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। है सरपंच साहब का आपने जिक्र कराया है कि इनका सहयोग रहा है, बस वो सुख का सहयोग रहा है, कुछ स्कूल में करवाया भी है। सरपंच साहब हमारे साथ सदा से ही जुड़े हुए हैं, पिछले 2-3 साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ। जब मान्यता के संबंध में हमें कुछ कागजों की जरूरत थी उसमें भी सरपंच साहब ने बहुत योगदान दिया, और हमारा एक जो ग्राउंड की बात हो चाहे एक ओपन जिम स्थापित करने की बात हो, और जिस टाइम भी हमने सहयोग की मांग की है हमारे गांव के जो सरपंच हैं श्री अनिल जी, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग और समर्थन किया है, इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। नमस्कार जी, आप संस्था में ही हो, तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार कराया जा सके, तो बच्चों का रिजल्ट या सुविधाएं अपग्रेड करी जा सके? हाँ जी, अच्छे टीचर हों, अच्छे पढ़ाने वाले टीचर अच्छे हों, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रिंसिपल जो है ना ये आगे की आगे बच्चों को लेकर जा रहे हैं। बाकी खेल कूद का सब सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, संस्था की तरफ से भी कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है बच्चों के प्रति, और पूरे गाँव की आस्था है, पूरे गाँव की। जैसे प्लस टू लड़कियों का स्कूल है, हमारा गांव का कोई भी लड़का जिस तरह कोई आवारा किस्म का या कैसे भी है, हमारे गांव का इतना सहयोग है हमारे स्कूल को पास नज़दीक भी नहीं आएगा कोई। एक और बड़ी बात है भाई, इस स्कूल के साथ में जिस महाराज जिया का नाम जुड़ा है या फिर ऋषि मुनियों के जो नाम जुड़े हुए हैं, एक स्कूल ना रह कर वो आश्रम हो जाए है। और जब आप सुन में आवे नहीं रामायण काल की बात करा, महाभारत कालन की बात करा, हाँ तो उस टाइम पर आश्रमा में ही शिक्षा हुई कर दी, जड़े हर तरीका की शिक्षा दे कर दी, तो वही चीज़ है, एक श्रद्धा भी पैदा हुआ है कि हमारे ऊपर एक दिव्य शक्ति है जो हमारी रक्षा भी करेगी और हमने कुछ ना कुछ एक अच्छा मार्ग पर लेके भी जाएगी। तो एक तो आवे आदमी नमन करे सही विचार आवे तो उस और आदमी का ध्यान जावे, एक इसी संस्था में आप चले जाओ वहाँ जाने के बाद में आपने न्यू लागे जो जेड़ में आ गए हो या फिर एजिटेशन सी महसूस हो कि भाई किसी जगह पर आ गए, लेकिन आप मंदिर की तरफ जाओगे नहीं, आप शांति और सुकून दिमाग में आओगे कि भाई एक मंदिर में जाना लग रहे हैं। हाँ, हमारे गुरु जी की ये बहुत बड़ी वो थी, तमन्ना थी कि हमारे गांव किठाना के अंदर लड़कियों का प्योर लड़कियों का स्कूल, हमारे गुरु जी की ये तमन्ना थी, उसी आधार पर हमारे यहाँ फीस भी बहुत नॉर्मल है, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, किताबें वर्दी दी जाती हैं, और हर तरह का यहाँ सहूलियत है, वातावरण बिल्कुल ठीक है, और माता पिता यहाँ निडर होकर के भेज देते हैं, हमारा बच्चा वहाँ सुरक्षित है। और जो आसपास के गांव हैं भाई, काफ़ी सारे गांव हैं, कम तक भी 8-10 गांव में जो फ्री वाहन की सुविधा है वो संस्था के द्वारा दी गई है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है आवागमन में, क्योंकि वर्ण आ गया था बेटी ने बिठा के ना स्कूल में और स्कूल तक बिठा के ना घर पर, किसी तरह की कोई है। और जिम्मेवार जितने भी ड्राइवर या कनेक्टर जिसकी ड्यूटी लगाई गई है एक महिला साथ में जरूर जावे है ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो और अपनी बात कहने में बच्ची ने भी किसी तरह की एजिटेट ना हो। बात करा सरपंच साहब की, आपने पहला भी वीडियो बनाई थी घनखरा गांव ने हरिद्वार में आकर लेकर आया था, तो और स्कूल में भी इस तरह के और कई सारे नहीं होकर आगे चल कर इलेक्शन लड़ना है बड़ा, और चलो कर दें सरपंच साहब। राम राम। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, और स्वामी सीताराम को सर झुका के नमन। इलेक्शन लुक्शन तो नहीं लड़ना इतने मेले रिन्यू है कि जड़ा जाओ उड़े फिर अपना ना ना भाई साहब, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, कोई कुछ नहीं, इनकी तो श्रद्धा बस श्रद्धा है स्वामी की तरफ, स्वामी सीताराम जी की तरफ। एक और बता दें भाई, किठाना में जो परचेज सेंटर है वो पहला परचेज सेंटर है जो सरपंच साहब ने पक्का करवा दिया है, और उसकी जो पेमेंट है वह भी होली किसी भी मेले मंडी में आप जाकर देखोगे आपने कच्ची मिलेगी, और किसी भी सरपंच ने उसका ऊपर मेरे हिसाब से ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा ही होगा पहली बिल्कुल। हमारे जो हरियाणा स्टेट है मेरे ख्याल से 1.5 साल हुए किसी भी सरपंच ने के थ्रू कोई मंडी पक्की नहीं हुई है, हमारे यहाँ पे मंडी पक्की हो गई है, उसका जो पेमेंट है वो पंचायत को मिल गई है और वो मार्केट कमेटी को ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई है, अब उस पर कार्य चलने वाला है, बहुत जल्दी मंडी पक्की हो जाएगी। स्कूल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी जो आपने पूरी करी हो? स्कूल में यहाँ पे जैसे बाहर था ग्राउंड में यहाँ पे ब्लॉक लगाने का काम किया गया, जैसे खेल कूद का लिए ओपन जिम लगवाया गया, जो भी स्कूल ने की तरफ से मुझे आदेश दिए गए मैंने वो पूरे करने की कोशिश की, और अभी यहाँ पे एक वाटर कूलर लगवाने का काम करेगा। हाँ नमस्कार।
सरपंच के काम संतुष्ट नहीं, सरपंच तो कहना खरा काम गाले दे कर सरपंच ने गाला खान के काम सरपंच ने इतने बढ़िया काम करे हैं कहे हमने बाद में पहला कर दी। अच्छा, मैं थोड़ा स्कूल के बारे में बताऊं। स्वामी परमानंद जी हुए हैं रिवाड़ी के अंदर, जिनका बड़ा अच्छा गायत्री के बारे में प्रचार था। उनके शिष्य मारे स्वामी सीताराम जी थे, वो प्रज्ञा चक्षु सूरदास थे जन्म से ही। उनका व्याकरण का इतने दुर्ग विद्वान थे, तो शुरू में जो खानपुर कला में स्कूल चलाया लड़कियों का, वो पहले अध्यापक थे जिन्होंने झुफड़ी बैठ कर खानपुर में पढ़ाया था। और उड़े सन 1940 में स्वामी जी आए और हम 1960 में 65 में 5-7 साल के साथ जुड़े। तो उनकी तमन्ना थी, कई बार कहते थे वे लड़कियों की पढ़ाई जरूर होनी चाहिए, उस टाइम लड़कियों ने पढ़ाना है कभी साहब समझे कोई भी जीने स्कूल में। तो उनकी तमन्ना थी, तो उनकी तमन्ना में उनका शरीर 81 पूरा होया, उनकी समाधि बनाई, उनकी याद में 22 साल हम गायत्री कराए। तो करते करते 20-25 साल पाछे सारा का न्यू विचार आया भाई लड़कियाँ स्कूल बनाना चाहिए। जमीन भी नहीं, पैसा भी नहीं, क्योंकि बुरा सारा काम दान पर चल रहा है। लोगों ने सहयोग करा, पंचायत ने जमीन दी और जमीन के अंदर लोगों ने सहयोग अपने अपने कमरे बना दिए। 2006 में स्कूल शुरू करा, मान्यता नहीं हुआ जमीन थोड़ी, सरकार ने उनोरम कम कर दिए, जमीन में काम चल गया, पिछले साल मान्यता होगी। पूरा गांव का सहयोग है, सारी लड़कियां प्रेम से पढ़े हैं, पूरा अनुशासन है, NCC NSS PT सारा कोशिश करें हम दान थे दिया। ये एक आदमी आया, उसने सारी लड़कियों को बैग दान में कर दिया। एक भगत आया, सारी लड़कियों को टी ट्रस्ट दे दी। जो लड़की गरीब है उनको वर्दी भी, पैसे भी, किताब भी, बिना फीस, पूरे लोगों के सहयोग से, मेरा अपना नहीं है, सभी लोग सहयोग से पढ़ा मांग रहे हैं। और कोशिश ये है बढ़िया पढ़े, हमारे गांव की जो लड़कियाँ हैं ऊँची उठे, और जो गरीब लड़की वो जरूर पढ़े, क्योंकि उस साधन नहीं है, उसको पढ़ाने का हमारा पूरा प्रयास है, और ये सब गुरु कृपा है भाई। यह बात आप बुजुर्गों से सुनते आवा कि एक जो लड़की हुआ है दो घराना सुधारा है, और उसका प्रभाव अगलिया पे जिसका जावेगी उस पर भी है, उनके बालकों ने वह पढ़ा लेगी अगर वह खुद पढ़ी लिखी है, अगर उसकी खुद ज्ञान नहीं है तो अपने बालकों ने नहीं पढ़ा सकती है। उरली साइड देखा तो अपने माँ बाप का नाम भी रोशन नहीं कर पाती हुआ, और उरे भी समाज में एक न्यू सोच लो थोड़ा सा नीची नाड़ करके ने जीना पड़ा है, क्योंकि समाज पढ़िया लिखा हो और उसकी कहीं ना कहीं न्यू लागे जावा कि तू पढ़ लिख रही को नहीं, तो अपना आप में ही उसकी घुटन महसूस हो है। लेकिन इन लड़कियों की बदौलत ये छोटी छोटी जिद्दी दिखने लग रही है, पाछा दिखा इनकी देखिए ये आगे चल के नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़े बड़े अफसर बनेंगे, बड़ी बड़ी जो ऑफिसर हैं वो अपना बनेंगी, और आगे फिर जब हमारी दाढ़ी धोली हो जाएगी फिर उनका इंटरव्यू करने खातर में हम आवेंगे और बताए करेंगे उनका कि हम बहुत लंबा टाइम तक इंटरव्यू करे कर दे, और तारी जो वीडियो है छोटी छोटी हैं कि हम बनाए कर दे। सरपंच साहब कोई मैसेज जो देना चाहते हो आप? बिल्कुल, जैसे वीरवान जी ने बताया पंचायत ने ज़मीन दी, यहाँ पे पंचायत ने पटेना में भी ज़मीन दे रखी है, उसका किराया साल को 55,000 रुपये, जो हमारे गांव के आज तक सरपंच हुए हैं सब ने लिए हैं। मैं इस कमेटी को जब तक मैं 5 साल सरपंच रहूँगा मैं 55,000 हर साल इस आश्रम को दान देता रहूँगा। तो या भाई बहुत बड़ी बात है, हर पंचायत ने जो पटनामा के जो रुपये हैं वो ले गए हैं। और रही भाई साहब बात 1.5 साल की, 1.5 साल हो गए मैंने इस कमेटी से, जैसे हर सरपंच 55,000 रुपये लेता था मैंने 1 रुपया नहीं लिया, आप कमेटी वालों से पूछ सकते हैं। इन्होंने अपने मन तक आया है मैं सरपंच हूँ, मैं तो इनको भगवान जी ने सरपंच सारी उम्र रखा है, तुम्हारी उम्र जरूर रखा है, मैं सरपंच बहुत सहायता है, बड़े मन से सहायता करी। तो इस तरह के सरपंच तो काम चल नहीं जाते, नहीं सरपंच साहब का बहुत सहयोग है संस्था की ओर से, और इन्होंने जो भी हमारे की जरूरत है टाइम टू टाइम वो पूरी करी है, और बहुत ही मतलब सम्मान रखते हैं संस्था के प्रति, आश्रम के प्रति, और हमेशा काम करने में तत्पर रहते हैं, जब भी हम बुलाते हैं हमेशा तैयार मिलते हैं, और इनका सहयोग हमेशा जारी रहेगा ऐसी हम आशा रखते हैं। तो भाई एक नंबर जारी मैं कर दूंगा संस्था का स्क्रीन के ऊपर, उस पर मिला कर ना आप संस्था का बारे में पूछ सको, अगर आप अपनी बच्चियां ने इसमें भेजना चाहो, आप आसपास के गाँव में तो हो तो आप संपर्क कर सको हो, अगर आपने कोई दिक्कत है कोई परेशानी है उसका सोल्यूशन आप चाहो हो, जी मेरे दौर है पीछे नहीं है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन बच्ची ने पढ़ाना चाहूँ, वाहन की दिक्कत है, किसी तरह की कोई भी समस्या है आप उस पर मिला कर ना पूछ सको, और अपनी बच्चियों का जो एडमिशन है वो इसमें करवा सको हो, इस वीडियो की दूसरे माँ बाप के साथ में भी आप शेयर कर सको हो, और मैं भी अपनी बच्चियों ने पढ़ा सके हैं अगर यहाँ आना पॉसिबल है तो। वीडियो ने शेयर कर दिया भाई मिला गाँव के लिए, हमारे पास वैन की सुविधा भी है, बस की सुविधा भी है, और जो गरीब बच्चे हैं और जो
मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनके लिए पूरी तरह से स्कूल में फीस माफ़ है, दाखिला माफ़ है, किसी तरह का कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाता। और उन बच्चों के लिए ड्रेस की, बुक्स की भी सहायता संस्था की तरफ से की जाती है। तो इसी तरह से हमारी जो बेटियां हैं, आसपास के गांव की बेटियां हैं, गांव किठाना की बेटियां हैं, सबके लिए चाहते हैं कि उनका समुचित विकास हो और वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करें। और एक दिन भाई ऐसा भी आओगा यू जो स्कूल है एक इतना विशाल स्कूल हो जाएगा कि महाराज जी का जो सपना है वो भी एक बड़ा स्तर पर पूरा हो जाएगा, जबकि यह नींव रखी गई है और कुछ सफलता भी हासिल हुई है इस काम में, लेकिन एक बड़ा मुकाम जो एग्रह संस्थान है वो मिलना अभी बाकी है, जो आपकी बदौलत मिल सके है। और कृपा रही तो सीताराम जी की इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। वीडियो ने फिर कहूँ भाई शेयर कर दो, मिलाना स्टूडियम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।